तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं, वी वांट फाइनाइट डे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, वी वांट फाइनाइट डे, वी वांट फाइनाइट डे, वी वांट फाइनाइट डे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब मुंह इधर करो, इधर अलीगढ़ मैं दावत से सुखन दूंगा हाफिज उबैदुल्लाह साहब को कि वो आज सलामे पाक से तिलावत कुरान से आज के इस जलसे की शुरुआत करें। हाफिज उबैदुल्लाह साहब بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته जैसा पहले हुआ करता था तो मैं आप लोगों को बता दूं, और जो लोग ये बात कहते हैं कि अलीगढ़ अब वैसा नहीं रहा, वो लोग आकर के देखें कि अलीगढ़ जैसा था वैसा ही है और इंशाल्लाह ताला वैसा ही रहेगा। शायद आप लोगों को मालूम ना हो, जब क्या थी मैं यहाँ पर माननीय कलेक्टर की मुहिम चली तो सबसे पहले शहादत थी ऊपर कोर्ट के एक शख्स ने, लोगों ने जाने दिए इसके लिए। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से माइनॉरिटी कलेक्टर की आवाज नहीं उठ सकती, इंशाल्लाह ताला मेरी लोगों से बात हुई, जो मैंने शहर की जामा मस्जिद में भी ये बात उठने वाली है, और फिर शहर की जामा मस्जिद में नहीं, अगर मैं चाहता तो दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में भी ये आवाज उठेगी। हिंदुस्तान के हर कोने में आवाज उठेगी। जो लोग छोटे मोटे इल्जाम लगा करके इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आवाज को बंद करना चाहते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि शहजाद आलम का सस्पेंशन किया, कहने लगे कि ये जो है माइनॉरिटी के भाई है, उनके प्रोग्राम में खलल डाल रहा था, मैं खलल नहीं डाल रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकार यहाँ पर आए तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का इतना भी हक नहीं बनता कि उनसे ये पूछ सके कि कहाँ है हमारे माइनॉरिटी कलेक्टर की बात। 10 से 15 मिनट देखिए, सीधा सीधा उद्देश्य है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर है उसकी आवाज हम लोग उठा रहे हैं। मिलेगा कब ये हमें भी नहीं पता, लेकिन हम लोग अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। जो आवाज एक जमाने से बीच में दबी हुई थी, मुझे याद है कि 2005 में गांधी भाई की यूनियन बनी थी, अब्दुल हफीज गांधी वाली, उसमें एक एजिटेशन हुआ था जो दिल्ली गया था। उसके बाद 2005 से 2014 आ गया है, ठीक है, 2014 आने वाला है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस आवाज को हम दोबारा से फिर से जिंदा कर रहे हैं, उस अलीगढ़ मूवमेंट को जो कहीं खो गया था, बस इसी के लिए ये हमारा होता। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर ये हमें चाहिए, तो चाहिए हर कीमत पे, इसके लिए हमें जब तक लड़ना पड़ेगा हम तैयार हैं। ये हमारा हक है। मुझे कोई मतलब नहीं उस निलंबन से, वाइस चांसलर की तो ये अप्रोच है,
मैं ना मैं निलंबन के लिए किसी को बुलाऊंगा इंशाल्लाह ताला, मुझे जाती मफाद के लिए किसी को इस्तेमाल नहीं करना, ना मैं किसी को बुलाऊंगा निलंबन के लिए। वाइस चांसलर का निलंबन मैं निलंबन नहीं मानता, उसका काम है, वो चाहेगा कि कोई भी आदमी कांग्रेस के या सरकार के खिलाफ आवाज ना उठाए, क्योंकि उन्हें आगे जाके हामिद अंसारी वाली कुर्सी दिखाई दे रही है, तो वो तो निलंबन ही इसलिए किया गया है कि जो है ये आवाज ना उठ सके। मुझे उस निलंबन से कोई मतलब नहीं है, निलंबन करें, मुझे जेल भिजवा दें, मैं तब भी ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा इंशाल्लाह ताला। आगे की रणनीति मेरी अकेले की नहीं है, मैं सब लोगों से मशवरा करूंगा, जितने भी लोग हैं सब लोग सबसे मशवरा करूंगा, जो भी सीनियर लोग यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि हमेशा से अलीगढ़ मुस्लिम की रिवायत रही है कि जब जब भी कोई आफत यूनिवर्सिटी के ऊपर आई है तो सीनियर भाइयों ने उसका फैसला किया है और छोटे भाइयों ने उसका साथ निभाया है।